फाइनली हो गया, अरे हो गया, जो भी टेंशन थी वो दूर हो गई के रंग वगैरह। नबी का मैं तो आशिक हूँ, नबी का दिल में नबी की याद ने दे राजा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, भाई जाने चाहूँ, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर ऐसे होंगे। अल्लाह साहब भाई को सलामत रखे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हमारे साथ जुड़े हो। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। शक्ल से टोपी से तो पता चल गया होगा आपके भाई ने रोता रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोते रखने की तौफीक दे। कल बारिश बहुत थी, बाइक तबाह हो गई। अभी मैं सिर्फ इसकी वजह से उठाऊँ, मैं रोज़ा रख के नमाज पढ़ के सो गया था, इसकी वजह से उठाऊँ। देखो क्या हालत हुई पड़ी है, इसको जंग वगैरह पकड़ जाएगा। मैं जाके पहले इसको धुलाते हैं, फिर आगे सुकून से सोए रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जो भी होगा। निकल रहे हैं आगे की तरफ, इसको वाश करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सब कुछ बताते हैं जो कुछ करते हैं। फाइनली हम पहुँच गए शॉप पर, जिस शॉप पर तकरीबन मैं सर्विस कराता हूँ। यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे रात में लेट आया था गेम से, गेम करने गए थे, गेम कर गया था, बारिश हो गई थी, वहाँ पे ख़राब हो गया। मैंने आग खड़ा कर दिया, मैंने देखा नहीं, मैंने लेट नाइट देखा तो वो मुझे अफसोस हुआ कि मैं रात की शाम के शाम ही इसको करा देता। अभी अभी करा रहे हैं, रंग वंग पता नहीं चढ़ता नहीं चलता। फाइनली हो गया, अरे हो गया, जो भी टेंशन थी वो दूर हो गई कि रंग वगैरह हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ओके हो गया। ये मेरा सामान पड़ा था, ब्रैकेट पिछला माटी गार्ड, अगला ये माटी गार्ड, ये मैं घर जा कर रखता हूँ, फिर काम आ जाएगा। आपको पता है हमारे काम आते ही रहते हैं, चीज़ें जितनी हों काम होती हैं। घर की तरफ निकलते हैं तो आगे का जो सीन पार्ट, आज ज़्यादा बोलना नहीं है, कुछ की हो जाएगी। रोज़ा है, फिर आपको पता है परेशान होंगे। रोज़ा तो है लेकिन कबूतरों की देखभाल वैसे कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। आया हूँ चेक करने, ये तीन बच्चे देखो पल रहे हैं, जो दो मैंने एक और रखा था ठीक है, वो बच्चे निकले हुए हैं, ये चार अंडे, और वो बच्चा अंडे देने पे आए हुए हैं। चलो अभी अभी एक मेरा मुलाजिम खबर दे गया, कहता मुर्गियों ने अंडा उतारा है, सब मुर्गियाँ मिल के खा गई हैं। अल्लाह को पता, कबूतर का बाजरा चेक कर लें, बाजरा है कबूतर का, बाजरा नहीं, इनको बाजरा डाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है आज माशाल्लाह रमज़ान का पहला जुम्मा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे बंदों को अल्लाह तौफीक दे रहा है जुम्मा अदा करने की। पता है हम गुनाहगार बंदे हैं, गुनाहगार अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं, ये निकल पड़े हैं जुम्मे नमाज पढ़ने की तरफ, तो अभी नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के यकीन मानो, जो जो भाई मेरे व्लॉग देख रहे हो, रोज़े नहीं रखते, मैं रोज़े नहीं रखता था, सीधी बात है, हल्का फुल्का रख लिया रोज़ा, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। लड़के होते हैं सारा दिन कुछ महसूस ही नहीं होता यार, इतने बड़े हो गए हम, अगर हम रोज़ा ना रख सकें तो बस फिर। ये हमारे गाँव की मस्जिद है, ये देखो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे आए हुए, सब भाई रोज़ा रखो, लाजमी रखो, तो अल्लाह ये एक महीना देता है रोज़े रखने का। जब बंदा इसमें अल्लाह से फ़ायदा ना उठाए रोज़े और सवाब ना हासिल करे तो फिर कह देना भी, तो बुलाए मेरे पास सब रोज़ा को भी जुम्मा अदा करते हैं, जुम्मे के बाद फिर देखते हैं रोज़े की रूटीन क्या है और क्या क्या काम करते हैं। ये आगे हमें मस्जिद में, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा नमाज सब कुछ पढ़ लिया, हम मस्जिद में सलाम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ने तौफीक दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। अभी जाते हैं थोड़ा सुकून करते हैं, फिर असर की नमाज़ उठेंगे इंशाल्लाह, असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा इधर उधर घूमेंगे भी सही, थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे इंशाल्लाह। तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदा आजिज। आज आप सब मैं नाज सुनाते हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह विलिंग से पहले हम नाते भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, नाते आप भी आती हैं, तो आज भाइयों को नात सुनाता हूँ। तो हम नात खान तो नहीं हैं, फिर भी ट्राई करते हैं थोड़ी सी, जो स्कूलों में पढ़ते थे मस्जिदों में पढ़ते थे। ये वो कॉल आ गई थी, मैंने ना थोड़ा कुछ ऑर्डर किया था वो आया, तो नात सुनाता हूँ कि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, इश्के सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो। या मुहम्मद का वजीफा है लबों पर हर दम, मुझको बस याद मुहम्मद में फना रहने दो। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, दिल में नबी की याद ने डेरा जमा लिया, सारे गमों से आपके गम ने बचा लिया। कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मकाम पर, तूने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया। वैरानियां ना आएंगी आंखों में अब कभी, वैरानियां ना आएंगी आंखों में अब कभी, खाके दरे रसूल का सुरमा लगा लिया। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। जज़ाकअल्लाह सुभान अल्लाह जी। बस थोड़ी सी आती थी तो ये पढ़ के सुना दी। वो मेरा कज़न देख के हंस रहा था, वो कहते इनको क्या हो गया, नाज सुन रहा है। तो बड़ी नातें पढ़ता था। तो अभी आप बैठा हूँ इन मुर्गियों की तरफ, रोज़े का टाइम होने वाला है, अभी एक दो घंटे रहते हैं। तो रोज़े की इफ्तारी का थोड़ा तैयारी करेंगे, सामान वगैरह लेना है, तो इंशाल्लाह फिर इफ्तारी भी करेंगे। और आज मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा इधर जिसने चिप्स लगाए होते थे ना, आज उसने समोसे पकौड़े लगाए हुए हैं। मैं ये रोज़ा नहीं होता तो मैं जाके खा लेता था, लेकिन आज खाना ममनू है। दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा बंद किया उसने बाहर से, बुरे दरवाज़ा खोल, ये दरवाज़ा खुल गया, नहीं बैठा वो, ये देखो नहीं बैठा। तो कोई बात नहीं, फिर आता है वो, देखते हैं। जैसा कि आपको पता है रोज़ा था, तो रोज़े का टाइम भी हो गया, अफ्तारी का सामान लेने आए हैं अपने सेठी। ये देखो सामान वगैरह ले रहे हैं, तो रोज़ा अफ्तारी करेंगे। अल्लाह का शुक्र है पता नहीं चला रोज़े का। तो आप भाई जो भाई नहीं रख रहे तो लाजमी रोज़ा रखो यार, रोज़मा रखने से सवाब मिलता है, यही मन मिलता है, मौका अल्लाह को राज़ी करने का तो कर लो। बाकी हम अभी इफ्तारी का सामान लेंगे, जाके इफ्तारी करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर साथ साथ आपके साथ ही हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग सब भाइयों को पसंद होगा। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहो, ऐ प्यार बांटते रहो, प्यार लेते रहो। दुआओं में याद रखना, अल्लाह।